हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक वैकेंसी के अपडेट को लेके, जो कि बहुत समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सब स्टाफ के पोस्ट के लिए। इस वैकेंसी को पोस्टपोन कर दिया गया था, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये क्वेरी थी कि कब ये वैकेंसी ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली आ चुका है, वैकेंसी रीओपन हो रहा है इसका। तो चलिए अभी इसकी सारी डिटेल समझ लेते हैं। देखिए, ये ग्रुप डी की पोस्ट होती है। इसके लिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पोस्ट की बात करूं तो सब स्टाफ यानी सफाई कर्मचारी, टोटल सीट आपका 484 यानी 484 सीट रहेगा। प्रीवियसली पहले ये फॉर्म ऑनलाइन हुआ था 20 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच, और उसके बीच ही इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो किसी रीजन से डिले हुआ था, क्या बदलाव हुआ है, ये सब आगे हम लोग सारी डिटेल समझेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप इसका अपडेटेड नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, टेलीग्राम पर ही ना इसको अप्लाई करने का लिंक भी मैंने दे दिया है। देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल ये आपका ऑनलाइन होगा 21 से 27 जून। मात्र 6 दिन का समय दिया जा रहा है, रीओपन किया जा रहा है। अब जो बच्चे पहले अप्लाई कर रखे थे, उनका कंसर्न होगा कि उनको क्या करना है। देखिए, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अप्लाई कर रखा है, अगर वो इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। जो अप्लाई कर रखे हैं उनको री अप्लाई नहीं करना है। लॉगिन करके एक बार आप चेक कर लीजिएगा सारी डिटेल्स सही है या नहीं है। चलिए आगे बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जुलाई अगस्त में, मतलब कि आपके पास बस 1 से 2 महीने का समय है। तो तैयारी की स्पीड, तो आप पहले से तैयारी कर रहे थे इसके लिए, अभी स्पीड को बूस्ट करिए, देखिए कहाँ पे क्या छूट रहा है और मॉडल पेपर वगैरह बनाइए, अच्छा स्कोर करिए, तभी जाके आप पेपर में क्वालिफाई कर पाएंगे। फॉर्म की फीस सेम ही रहेगी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 850 यानी 850 रुपीज लिया जाएगा, एससी एसटी कैंडिडेट से 175 यानी 175 रुपया। और जो कट ऑफ डेट था ना, जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर में जो कट ऑफ डेट आया था कि 31 मार्च 2023 के अनुसार जो भी क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सारा आपका कट ऑफ डेट रहेगा इस डेट के अकॉर्डिंग, 31 मार्च 2023। तो एज भी आपका उसी हिसाब से गणना किया जाएगा, एज ऑन 31st of March 2023, 18 years to 26 years, मतलब 18 से 26 वर्ष के सभी बच्चे अप्लाई करेंगे। और आपको पता है कि अपर एज में क्या मिलता है, रिलैक्सेशन। ओबीसी को मिलेगा 3 years का और एससी एसटी को मिलेगा 5 years का। आई होप कि यहाँ तक आप सारी डिटेल समझ गए होंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है कि ये ग्रुप डी की पोस्ट है सब स्टाफ की, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन सिंपल है, 10वीं पास सभी बच्चे अप्लाई करेंगे। लेकिन इस बार जो बदलाव हुआ है, बदलाव कुछ इस प्रकार हुआ है कि आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हैं ना, उसका लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। अब क्या किस स्टेट का लोकल लैंग्वेज है, ये भी आपको नए वाले नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो डाउनलोड करके जरूर फॉर्म भरने से पहले एक बार देख लीजिएगा। देखिए, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में भी कुछ चेंजेज हुए हैं। पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस था, आपका ऑनलाइन एग्जाम होता, फिर डीवी और मेडिकल, बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता। इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे कि आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला था ना, उसमें अभी क्या होगा कि ऑनलाइन एग्जाम आपका 70 नंबर यानी 70 मार्क्स का होगा। फिर आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जैसा कि मैंने बताया है कि जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, मान लीजिए कि आपने बिहार के लिए अप्लाई किया तो आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने गुजरात के लिए किया है तो वहाँ के लिए इंग्लिश या फिर गुजराती। तो इस प्रकार से सभी स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज है, जिसका टेस्ट आपका 30 मार्क्स यानी 30 नंबर का होगा। उसके बाद ही आपका डीवी और मेडिकल होगा। चलिए अभी हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे, दोनों ही एग्जाम पैटर्न को अच्छे वे में बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम का तो आपको पहले से ही पता था कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, फॉर 70 क्वेश्चन विच इज फॉर 70 मार्क्स, पर क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क्स, 70 क्वेश्चन 70 नंबर के लिए।
समय 90 मिनट्स, यानी कि आपका डेढ़ घंटे का पेपर होगा एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगा। सब्जेक्ट वाइज बात करें, इंग्लिश से होंगे 10 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। देखिए ये परीक्षा जो आपकी होगी 10th लेवल का होगा, इजी पेपर होगा, पर आपको पता है कि अभी हर तरह की वैकेंसी में बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस पोस्ट पे कर नहीं पाएंगे, इसके लिए थोड़ा प्रोसेस को बढ़ाया गया है। तो ये एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लोगे तब जाके आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा अप टू 8th स्टैंडर्ड लेवल, मतलब कि 8th क्लास का जो लेवल होता है ना लैंग्वेज का, जब आप देखेंगे किसी भी बच्चे का 8th क्लास का बुक ले लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो, या फिर गुजराती, कोंकणी, मराठी, बहुत सारे लैंग्वेज है, तो वो आप एक देखिएगा 8th क्लास का क्या लेवल होता है भाषा का, क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स 30 रहेगा, समय आपका 30 मिनट्स यानी आधे घंटे का रहेगा। मैंने जहाँ तक लिस्ट चेक किया है तो बहुत ही कम स्टेट के लिए आपकी जॉब है, तो उन स्टेट के लिए इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, उड़िया, मराठी, कोंकणी और उर्दू, तो यही आपका लैंग्वेज है। इसमें से कोई भी लैंग्वेज आपको आता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो लैंग्वेज टेस्ट को जब आप पास करेंगे तब आपका डीवी और मेडिकल होगा। लेकिन ये लैंग्वेज टेस्ट आपका कब एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ये भी डेट दे दिया गया है, नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि सितंबर में आपका ये भी एग्जाम करा लिया जाएगा, मतलब कि जुलाई से अगस्त में आपका CBT होगा, फिर आपका सितंबर में हो जाएगा लैंग्वेज टेस्ट, उसके बाद फिर आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा सीट अलॉट, यानी आपको ज्वाइन कब तक कराया जाएगा, अक्टूबर 2024। ये मैं नहीं बता रही हूँ आपसे, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में सेंट्रल बैंक के द्वारा बताया गया है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिलेक्शन प्रोसेस भी फास्ट होने वाला है। तो आफ्टर सिलेक्शन आपको क्या सैलरी मिलता है, सैलरी आपको शुरुआती दौर में दी जाती है 19,500, यानी कि 20,000 के करीब से शुरुआत होती है। सैलरी बाद में बढ़ा के आपकी 33,780 रुपीज़ कर दिया जाता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, कोशिश ये करिए कि आप अपनी एक सीट अभी अचीव कर लीजिए। आई होप कि इस पोस्ट के बारे में सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। अब भी कहीं पर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट करके क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।